हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही टेस्टी नाश्ते की रेसिपी, जिसे आप अपने किचन में रखे सामान से ही मिनटों में बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इसे अच्छे से बनाने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखिएगा, और रेसिपी पसंद आने पर इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। तो इस नाश्ते को हम बनाएंगे मुरमुरे से। इनको हम परमल या लेया भी कहते हैं। ये चावल से बनते हैं। 1.5 कप मुरमुरे लेंगे इस रेसिपी को बनाने के लिए। सबसे पहले हम मुरमुरे को ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसका एक महीन पाउडर बनाकर तैयार करेंगे। तो देखिए, इस तरह से एकदम महीन पाउडर बनाकर तैयार कर लेना है हमें मुरमुरे का। अभी हम इसे साइड में रख देंगे और लेंगे बड़ी साइज़ के 2 उबले हुए आलू, और इन्हें हम ग्रेटर से ग्रेट करके स्मूथ कर लेंगे। आप चाहे तो इन्हें पोटैटो मैशर से मैश भी कर सकते हैं। ध्यान रखिए दोस्तों, इस रेसिपी के लिए हमें आलू का एकदम स्मूथ पेस्ट चाहिएगा। उसमें आलू के कोई भी टुकड़े वगैरह नहीं रहना चाहिए, नहीं तो हमारा नाश्ता अच्छे से नहीं बन पाएगा। अब हम लेंगे एक बड़ी साइज़ का मिक्सिंग बाउल और उसमें डाल देंगे ये ग्रेट किए हुए आलू, और साथ ही इसमें हम डाल देंगे मुरमुरे का पाउडर जो अभी हमने पीस कर रखा था। अब मसालों में इसमें हम 2 हरी मिर्च को बिल्कुल बारीक बारीक काट कर ऐड करेंगे, और साथ ही ऐड करेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1/2 टीस्पून या स्वादानुसार इसमें हम नमक डालेंगे। नमक डालते वक्त हमें एक बात का ध्यान रखना है कि मुरमुरे थोड़े सॉल्टी ही होते हैं, क्योंकि उनमें भी नमक होता है। 2 पिंच हल्दी पाउडर डालेंगे और साथ ही डाल देंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी। अगर आपके पास कसूरी मेथी नहीं है तो आप इसमें हरी मेथी को फाइनली चॉप करके भी डाल सकते हैं। अब हम सभी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिलाते हुए इनका एक आटा लगाकर तैयार करेंगे। उबले हुए आलू में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, तो हमें पानी डाले बिना ही इस मिश्रण को अच्छे से मसल मसल कर एक चिकना डो बनाकर तैयार करना है। अब हम इसमें 1 टीस्पून के बराबर तेल डालेंगे। एक बार और अच्छे से मसल कर डो को इकट्ठा करेंगे और 10 मिनट के लिए ढककर इसे रेस्ट पर रख देंगे। 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इस आटे को 2 भागों में तोड़कर इनकी बड़ी साइज की बॉल्स बना लेते हैं। पतीलियों पर थोड़ा तेल लगा लेंगे और आटे की एक लोई लेकर थोड़ा इसे मसलेंगे। इसे बेलने से पहले बेलन और चकले पर भी थोड़ा तेल लगा लेंगे, जिससे कि डो हमारा इन पर चिपके ना। और अब पराठे जितनी मोटाई की इसकी एक शीट बनाकर तैयार करेंगे हम। अगर आपका डो गीला रह जाए या किसी और वजह से उसमें अच्छे से बाइंडिंग ना आए, बेलते वक्त बहुत ज़्यादा ही फटने लगे, तो आप इस डो में थोड़ा आलू का स्टार्च, कॉर्न स्टार्च या आरोरूट पाउडर, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, ज़रूरत के हिसाब से डाल लीजिएगा। नाइफ पर थोड़ा तेल लगाकर इसकी एक बड़ी साइज की रेक्टेंगल शीट काट लेंगे, क्योंकि हम इस नाश्ते को स्क्वायर शेप में बनाकर तैयार करने वाले हैं। इस वाले आटे को बाकी बचे आटे के साथ मिलाकर दोबारा से शीट बनाकर तैयार कर लेंगे हम। जिस भी साइज का नाश्ता आप बनाना चाहते हैं, उस हिसाब से शीट पर पहले मार्किंग कर लीजिएगा। चाकू को थोड़ा गड़ा कर चलाते हुए शेप में काट लीजिएगा, देखिए इस तरह से। एक एक करके केयरफुली इन्हें हम बोर्ड से उठाकर एक प्लेट में रखते जाएंगे। और देखिए ये कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं। बस इसी तरह से हम बाकी बचे आटे से पहले शीट बनाकर तैयार करेंगे, फिर उसे अपनी पसंद के शेप में काट लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको रेसिपी अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिएगा, और इसी तरह की टेस्टी और इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ आप सबसे पहले देख पाएंगे। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे, तो इसके लिए तेल को अच्छे से गरम कर लिया है मैंने, और अब गैस की फ्लेम को मीडियम पर रखेंगे और इसमें एक एक करके हमारे आलू के नाश्ते को डालते जाएंगे।
आप देख पा रहे हैं ये बिल्कुल पूरी की तरह फूल रहे हैं। दोनों साइड से उलट पुलट कर हम इन्हें अच्छे से फ्राई करेंगे। ये बहुत ही जल्दी तलकर तैयार हो जाते हैं, तो आप इन्हें अपनी पसंद के हिसाब से गोल्डन ब्राउन या थोड़ा ज़्यादा देर तक तलकर तेल से बाहर निकाल लीजिएगा। इसी तरह से बाकी बचे नाश्ते को भी हम मीडियम फ्लेम पर तलकर तैयार करेंगे। तो लीजिए दोस्तों, हमारा आलू और मुरमुरे का बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी सा नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही कम सामान से फटाफट से बनकर तैयार हो जाने वाला टेस्टी सा नाश्ता है ये, तो आप भी इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। इन पर चाट मसाला स्प्रिंकल करके और टमेटो केचप के साथ इसे सर्व कीजिएगा, सभी को ये बहुत पसंद आएगा। और मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो।